माशाल्लाह माशाल्लाह कितने जबरदस्त है रुलिया की रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे के निशान जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप हमारी हर इंटरेस्टिंग वीडियो से आगाह रहे। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक आने पानी लेंगे, हंसने जरूरत लेंगे, हाफ टी स्पून जीरा लेंगे, 1 टेबल स्पून मैदा लेंगे, 3 कप ऑयल लेंगे, 2 टेबल स्पून अब हम डो गूंदेंगे। जैसे हम समोसों के लिए सख्त डो गूंदते हैं, अब हम ऐड करेंगे मैदा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा और नमक, ऑयल, अब ऐड करेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो को गूंद लेंगे। यूएस डो हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे साइड पे रख देंगे और स्टफिंग के लिए चीज़ें तैयार करेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऑयल, हरी मिर्च 2 अदद, 1 अदद दरमियाने साइज की प्याज और कुछ आलू बॉयल किए हुए। यूएस हम लोग कोई से भी बर्तन ले लेंगे, ये आपकी मर्जी, आप जो इनसे भी साइज़ के ले लें, उसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल, इसी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च, प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू, तो इसको हाथों की मदद से इस तरह पीस लेंगे। तो ये हम लोग फिलिंग के लिए तैयार करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, दूसरी तरफ से डो भी हमारा तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कुछ इस तरह हम लोग पेड़े बनाएंगे, आप देख सकते हैं। तो पेड़ों का साइज़ आपने जितने मैंने रखा है उतना ही आप लोगों ने रखना है। तो इस तरह से हम लोग पेड़े बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं पेड़े बनाने के बाद। यूवर्स पेड़े हम लोगों ने सारे बना लिए हैं और ये सारे एक ही जितने बनाए हैं। तो ये हमारे पास चीनी, ये लाल मिर्च और गिंगर, गिंगर पाउडर, ये नमक 1/2 टेबल स्पून, ये सब चीज़ें हम लोगों ने 1/2 टेबल स्पून ली थी। एक बाउल ले लेंगे। अब हम लोग कोई सा भी पैन ले लेंगे, अब चटनी तैयार करेंगे। तो इसके अंदर ऐड करेंगे पानी और ऐड करेंगे चीनी जो कि थी 2 कप, तो हम लोगों ने ऐड कर लिए। सोवर जब तक ये चीनी पिघल ना जाए तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तो चीनी हमारी तकरीबन पिघलने पे आ गई है, बॉयल आ चुका है। तो ये हम लोगों ने लिए कुछ इमली, आप देख सकते हैं। तो हम ये ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इमली की चटनी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही है, ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है चटनी। तो इसके अंदर अब बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये हम लोगों ने एक चीज़ बनाई है, आप चाहे तो बना ले वरना तो ना बने, ताकि ये जब हम रोल बनाएंगे ताकि वो टूटे ना। तो अब हम लोग ले लेंगे मैदा, इसको बेलने पर डाल लेंगे। तो अब हम लोग पेड़ों को बड़ा करेंगे।
तो बेलने की मदद से इसे अच्छे तरीके से बड़ा करेंगे। इसी तरह हम लोग और भी करते जाएंगे। तो वह आस्ते आस्ते बड़ा करते जाएंगे। सो व्यूअर्स, हम लोग कुछ इस तरह से बड़ा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से बड़ा कर लिया, आप देख सकते हैं। तो अब एक साइड पे हम लोग लगा लेंगे जो कि हम लोगों ने तैयार किया था बैटर सा ड्राई सीजन। एक साइड पे बिल्कुल लगाएंगे और इसको एक दफ़ा एक मरतबा पहले रोल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर अब दूसरी मरतबा रोल करेंगे। तो हम लोगों ने रोल कर लिया। अब हम लोग बाकी का जो नीचे सरफेस रहेगी है इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे नाइफ़ की मदद से। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी लगा सकते हैं, या पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने लगाने हैं नाइन लाइंस। इससे ये भी होगा कि खूबसूरती भी आएगी और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेगा। तो ये देखिए कि एकदम तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग इसे रोल करेंगे, यानी कि इसे कर्व सरफेस कर्व शेप देंगे। तो इस जॉइंट्स पे आप लोग जो मैंने आपको बताया था आप वो लगा लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब हम लोग मैदा और पानी का जो पेस्ट मैंने बनाया था उसे इधर लगाएंगे, ये देख सकते हैं आप, और इसकी वजह से इसे चिपका करेंगे। तो दूसरी तरफ पे हमारी इमली भी तैयार होने वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो तकरीबन तैयार हो चुकी है, गैस हम लोगों ने बंद कर लिया। तो इसी तरह हम लोगों ने सारे रिंग समोसास बना लिए हैं। अब इसे फ्राई करेंगे, फ्लेम हमारा मीडियम लो पे है। तो चलिए फ्राई करते हैं, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो तब हम लोग फ्राई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऑयल गर्म होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर रिंग समोसा डालेंगे और फ्राई करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह हम लोग डालते जाएंगे। तो फ्लेम हम लोग मीडियम लो रखेंगे और 5 मिनट से एक साइड से पकने देंगे और 5 मिनट तक दूसरी साइड से। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। व्यूअर्स, फ्लेम हम लोग मीडियम लो इसलिए रखेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं, लेकिन क्योंकि अगर हम लोग फ्लेम हाई रखेंगे तो ये बाहर से तो जलने पर आ जाएंगे, बाहर तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये लोग कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हम लोग पलट देंगे 5 मिनट्स बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम लोग पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आ रहा है। माशाल्लाह कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। मीडियम लो पे हम लोग 5 मिनट्स पर साइड पकाएंगे और जब ये अंदर से पक जाएंगे, मतलब 5 मिनट बाद पकाने के बाद, फिर हम लोग फ्लेम ज़रा तेज़ कर लेंगे ताकि बाहर से कलर ज़रा अच्छा हो जाए, कलर ज़रा डार्क हो जाए। व्यूअर्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम लोग नीचे से फ्लेम ज़रा हाई कर लेंगे ताकि इसका कलर ज़बरदस्त हो जाए और ज़रा डार्क हो जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कलर कितना ही ज़बरदस्त आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मिलते हैं चंद ही देर बाद जब ये मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाए। तो कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सुबह से तैयार हो चुके, हम लोगों ने इसे प्लेट में निकाल लिया। तो इसी तरह हम लोग गौर करते जाएंगे। सुबह से रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग निकाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है।
और बहुत ही चटपट बन जाती है। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में, टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम पे खा सकते हैं, स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पर लाइक नहीं किया हुआ तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके हमारा फेसबुक अकाउंट भी विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।